स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सो गाइस, फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जो ग्लैमर F5 बाइक है। इसमें करंट मिसिंग है, करंट नहीं आ रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो गाइस, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, एक मैकेनिक ये बाइक लाया है और जैसे कि एक महीना से बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका करंट नहीं आ रहा है। तो काफ़ी सारे चीज़ लगा के देख लिया है, जैसे TCI हो, बैक एंगल सेंसर हो, जैसे मेरे पास यहाँ देखिए ये बैक एंगल सेंसर है, CDI है, ये सब कुछ लगा के देख लिया बट नहीं हो रहा है। तो गाइस, ऐसा सिचुएशन में अगर आप लोगों का भी दुकान पर, गैरेज पर अगर ग्लैमर F5 बाइक आता है और जैसे कि बाइक में करंट नहीं आता है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप लोग चेकअप करें, जो बाइक में हम लोग का इग्निशन लाइन अगर डेड रहे तो इग्निशन लाइन को किस तरह से हम लोग लाए। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को हम दिखा देते हैं जो बाइक में हम लोगों का करंट वगैरह सब कुछ है। देखिए मीटर कंसोल में लाइन भी जा रहा है और जैसे कि हम लोगों का सब कुछ चल रहा है। अब सवाल है बाइक में करंट नहीं आया, देखो सब कुछ को कपलर लगा हुआ है, सब कपलर लगा है लेकिन हम लोगों का करंट नहीं आ रहा, आपको दिखा देता हूँ। चलिए किक मारिए। तो गाइस, यहाँ आप लोगों को करंट देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि करंट नहीं आ रहा है। अब शायद सोच लेंगे आप लोग कि CDI कर चुकी है, TCI कर चुकी है, बैक एंगल सेंसर कर चुकी है, कुछ भी नहीं हुआ है बाइक में, सब कुछ ठीक है, सिर्फ हल्का सा प्रॉब्लम है। वो क्या मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझना चाहिए और महसूस करना चाहिए, तब आप लोग वायरिंग का काम में आप लोगों को ध्यान जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक क्या होता है, वायरिंग का काम देख के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और बाइक को फेल के रख देता है। तो गाइस, मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको समझना है जो हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, F5 वाला इंजन है, हम लोगों का वोल्ट दो तरफ से आता है, ठीक है। अब वो कहाँ कहाँ से आते हैं आप हमको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए बाइक को इग्निशन ऑन किया और इस बाइक में हम लोगों का मेन पॉइंट होता है जो चार वायर है गाइस, ठीक है। चार वायर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इग्निशन स्विच है, इग्निशन स्विच में एक हम लोगों का DC वोल्टेज को जैसे कि पूरे बाइक को ओपन करने के लिए है और यहाँ भी DC वोल्टेज है, वो सिर्फ हम लोगों का जैसे कि रिले में एक वोल्ट आता है तो वो वोल्ट को हम लोगों को कट करता है और पूरे बाइक में F1 सिस्टम में देता है। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप जो है गाइस, हम लोग रिले में वोल्टेज चेकअप करेंगे। रिले में वोल्टेज अगर हम लोग चेकअप करें, अगर यहाँ वोल्टेज आता है तो बाइक में करंट हम लोग जैसे कि प्रॉब्लम हो सकता है क्या, TCI का हो सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले चेकअप करेंगे यहाँ जो रिले है हम लोगों का चार पोल का, इसमें हम लोगों का 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो गाइस, हम लोग यहाँ जैसे कि खोलेंगे इस वायर को, इस रिले को खोलेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम चेकअप करेंगे जो हम लोगों का यहाँ वोल्टेज आ रही है कि नहीं। तो चलिए हम वोल्टेज कौन सा वायर में चेकअप करें। यहाँ देखिए रेड में जो हम लोगों का ब्लू कलर की वायर है, यहाँ दो वायर है, रेड में ब्लू दो वायर है, तो एक वायर जो हम लोगों का यहाँ जो है, इस वायर को हम लोगों का 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए, ठीक है, वो चेकअप करेंगे आ रही कि नहीं। तो चलो हम यहाँ भरते हैं और बॉडी में एक टच करते हैं और इग्निशन ऑन करो। तो गाइस, यहाँ कोई भी हम लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यहाँ हम लोगों को वोल्टेज लाना है तभी हम लोगों का स्टार्टिंग लाइन, इग्निशन लाइन काम करेगा। तो चलिए हम आपको तरीका बताते हैं। तो गाइस, रिले में वोल्ट ना जाए तो सबसे पहले आप चेकअप कीजिए चाबी का स्विच हम लोगों का सही है या ख़राब है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ देखिए हरा में रेड है और जैसे कि पीला में रेड है, ये दोनों वायर को अगर आपस में हम लोग जैसे कि मल्टीमीटर को कंटिन्यू पे किया और एक वायर यहाँ लगाया और एक वायर यहाँ लगाया और चाबी ऑन करो, मल्टीमीटर में दिखाओ। तो मल्टीमीटर हम लोग नीचे करना यार, चाबी ऑन करो, चाबी ऑन करो। तो हम लोगों का DC वोल्टेज ये वाला सही है गाइस। अब हम इस वाले को चेकअप करेंगे दोनों वायर को। तो चलो इस बोल्ट को भी हम लोग चेकअप करते हैं। चलो चाबी ऑन करो, बंद करो, ऑन करो, बंद करो। तो गाइस, यहाँ हम लोगों का ऑफ ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें हम लोगों का दो क्लिप है, दो चीज़ को ऑफ करता है F1 इंजन में, ज़्यादा करके ग्लैमर बाइक में।
तो इसका जो मेन स्विच है ये ख़राब हो चुकी है। अब हम लोग जाँच किस तरह से करें, चलिए हम आपको बताते हैं। इस तरह से आप लोग तार लीजिए, तार लेने के बाद इस कपलर पे आप लोग भर दीजिए, ठीक है। यहाँ भर दिया है, अब भरने के बाद हम इस कपलर को यहाँ गाइस यहाँ हम अटैच कर देंगे। चलो अटैच कर देते हैं, अच्छी तरह से अटैच कर देंगे गाइस। अटैच कर दिया, अब यहाँ हम लोग चेकअप भी कर सकते हैं, बट नहीं करने से भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम लोग देखो चाबी वापस ऑन करो। तो गाइस यहाँ हम लोगों का मल्टीमीटर शो कर रहा है लेकिन चाबी का स्विच काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को चाबी का स्विच हमने डायरेक्ट कर दिया है, इसलिए हम लोगों का काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम आपको चेकअप कराते हैं वोल्टेज जा रहा है कि नहीं। आइए, अब मैंने इग्निशन स्विच को डायरेक्ट किया है। अब यहाँ जैसे कि हम आपको दिखाते हैं जो इस वायर में हम लोगों का वोल्ट आ रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए। तो गाइस यहाँ देखिए 12 वोल्ट आ चुकी है, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इग्निशन ऑन ऑफ करेंगे तो हम लोग का 12 वोल्ट की सप्लाई रहेगा। दिखा दीजिए, चाबी अभी ऑफ है, चाबी ऑफ है। एक बार ऑन करो और यहाँ दिखाओ, ऑफ करो। तो गाइस यहाँ वोल्टेज हम लोगों का कट नहीं हो रहा है। अब इसके लिए क्या होगा हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप लोगों को हम आपको बता देते हैं बाइक में करंट ज़रूर आएगा। तो चलिए इस रिले को हम लगाएंगे, ठीक है, इस रिले को हम लगाते हैं। तो चलो अब हम आपको दिखाते हैं जो बाइक में करंट आ रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से 100% बाइक में करंट आएगा। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं जो प्रॉब्लम एक्चुअली हम लोगों का कहाँ से आ रहा था। तो गाइस आप लोगों ने देखा फिर भी करंट नहीं आ रहा है बाइक का, अब क्या प्रॉब्लम है। तो हमने तो आपको यहाँ वोल्टेज दिखा दिया, अब मेन पॉइंट और भी एक है जो हम लोगों का रेड में ब्लैक है। इस वायर पे भी अगर हम लोगों का वोल्टेज जैसे कि रिले ना देगा तो भी काम करें नहीं करेगा गाइस। तो यहाँ से वोल्टेज तो हम लोग को इनपुट मिल गया, अब आउटपुट हम देखेंगे। तो चलो आउटपुट को चेकअप करते हैं, मल्टीमीटर को कंटिन्यू पे किए गाइस। करने का बाद अब यहाँ देखिए जो एक वायर को हम यहाँ अटैच करेंगे और एक वायर को हम बॉडी का साथ संपर्क करेंगे, तो यहाँ हम लोगों का वोल्टेज नहीं आ रहा है, वोल्टेज नहीं आ रहा है, रिले ख़राब हो चुकी है गाइस। अब हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो चलो हम यहाँ से एक वायर में वोल्टेज देंगे, बैटरी से भी दे सकते हैं, बट यहाँ हम लोगों का 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लाइन है, यहाँ से भी हम लोग दे सकते हैं। तो चलो हमने यहाँ से दे दिया गाइस, अब आप लोगों को करंट दिखाता हूँ। रुकिए, सेल्फ मारिए, मारो 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 मारो, बस 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 बस। तो गाइस यहाँ हम लोगों का वोल्टेज देने से हम लोगों का करंट आ रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे। अभी हमने तार को खोल लिया, देखो तार को खोल लिया, अब मारो, एक बार मारो मारो। तो गाइस नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ है, रिले हम लोगों का ख़राब हो चुकी है, उसका कारण हम लोगों का वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो रिले नया लगाना पड़ेगा। तो चलो मार्केट से नया रिले लाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने रिले लाया मार्केट से और यहाँ देखिए सेम हम लोगों का रिले है, ये पुराना वाला ये नया वाला। तो चलो इसे हम इंस्टॉल करते हैं और आप लोगों को वोल्टेज दिखाता हूँ, लगाने के बाद हम लोगों का 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा। तो चलो मैं लगा दिया, अब आप लोगों को दिखाता हूँ जो हम लोगों का ब्लैक में रेड जो है 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा। यहाँ देखिए 11 वोल्ट 94 आ रहा है, थोड़ा वोल्टेज कम है। अब बाइक में हम लोगों का कोई भी वायर शॉर्ट करने का ज़रूरत नहीं, करंट आ जाएगा। तो चलो आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, चलो इग्निशन ऑन करेंगे, तो गाइस यहाँ करंट आ चुकी है, बाइक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बाइक स्टार्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो सो गाइस आप लोगों ने क्या देखा, रिले मेरा ख़राब है और वहाँ जो हम लोगों का इग्निशन स्विच है ये ख़राब है। बाइक में दो फॉल्ट है, दो फॉल्ट का कारण बाइक में करंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, टैंकी वगैरह सब कुछ लगा के बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ, 100% बाइक स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस मैंने कोशिश किया स्टार्ट करने के लिए, बट स्टार्ट करके आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि करंट तो बाइक में आ चुकी है,
जो हम लोगों का टैंकी में फ्यूल पंप है ये भी ख़राब हो चुकी है। अब किस तरह से मैं जब मुझे पता चला, जो मैंने चाबी ऑन करने के बाद यहाँ हम लोग चेकअप करते हैं तो कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मोटर नहीं घूम रहा है। अब मोटर किस तरह से करें वो भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ चेकअप करके, तब आप लोग बिलीव करेंगे। ठीक है, तो चलो किस तरह से हम लोग चेकअप करें। तो गाइस यहाँ जैसे कि हमने कौन सा वायर में क्या हो आपको बता देता हूँ। ये जो हम लोगों का टैंकी का फ्यूल पम्प का कनेक्शन है, तो गाइस यहाँ देखिए दो वायर, एक हरा कलर की एक पीला में वाइट कलर की, ये हम लोगों का है जैसे फ्यूल मापने के लिए। और ये दोनों जो वायर है हम लोगों का वोल्टेज आएगा जब हम लोग चाबी स्विच ऑन करेंगे और सेल्फ स्टार्ट मारेंगे तो ही 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा। कैसे हम आपको दिखा देते हैं, हमने चेकअप किया यहाँ वोल्टेज सब कुछ सही आ रहा है। तो गाइस यहाँ छेद पर हमने कुछ रेजिस्टेंस भरा और मल्टीमीटर में आप लोगों को चेकअप करके दिखाता हूँ जो वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलो एक वायर इसमें लगाते हैं और एक वायर इसमें लगाते हैं और बाइक का सेल्फ दबाओ, सेल्फ दबाओ। देखिए 12 वोल्ट आ रही है ना, दबाओ, बात छोड़ दो छोड़ दो। तो 12 वोल्ट की हम लोगों का यहाँ सप्लाई आ रही है, इसका मतलब है मोटर पे हम लोगों का वोल्ट जा रहा है, मोटर ख़राब हो चुकी है। तो गाइस मैंने फ्यूल पंप थोड़ा वॉश किया और पूरा सिस्टम को सफाई किया करने के बाद अब बाइक स्टार्ट हो जाएगा जैसे मुझे लग रहा है। तो शायद आप लोगों को दिखा दूँ जो बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब आप लोगों को दिखाता हूँ। इग्निशन ऑन किया, तो गाइस स्टार्ट तो हो गया बट मुझे ये डायरेक्ट निकालना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ना निकालें तो हम लोगों का सिस्टम ख़राब हो जाएगा और ये डायरेक्ट करना ठीक नहीं है। बाइक बंद करके भी हम लोगों का जैसे कि किक अगर मारेंगे तो हम लोगों का इंजेक्टर में ऑयल जाएगा, ऑयल की छिड़काई जाएगा, तो हम चाबी का स्विच चेंज कर देंगे और बाइक ठीक हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों ने क्या देखा, बाइक में करंट मिसिंग था, मैंने करंट को ला के दिखाया। तो गाइस इग्निशन लाइन के बारे में आप लोगों को अच्छा नॉलेज दिया, अच्छा जानकारी दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।